हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम पूनम चौधरी योर बायोलॉजी मेंटोर आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें तो आइए न्यू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो जितने भी प्लांट्स होते हैं ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स वो सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं सिंथेसाइज देयर ओन फूड और फूड क्या होता है मेनली ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इसके प्रेजेंस में ओके okay, इसको यूज करके सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं और जिस प्रोसेस से वो अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस बिकॉज वो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना सिंथेसाइज कर रहे हैं दैट्स इट इज नोन एज फोटो लाइट एंड सिंथेसिस प्रोडक्शन और फॉर्मेशन तो वो अपना खाना बना रहे हैं दैट्स इट इज नोन एज फोटो सिंथेसिस इस फोटो सिंथेसिस प्रोसेस का जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है ओके okay? ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप इसको रट्टा मार लो या समझ लो या कुछ भी कर लो बट ये इक्वेशन आपको आना चाहिए तो क्या इक्वेशन है प्लांट्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं वाटर को यूज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या होता है क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट ओके क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट जो क्या करता है वो हेल्प करता है आपके सनलाइट को ट्रैप करने में और प्लांट्स के पास ये पिगमेंट प्रेजेंट है दैट्स वे वो सन के लाइट को ट्रैप कर सकता है हमारे पास होता तो हम भी कर लेते बट हमारे पास नहीं है तो प्लांट ने क्या किया सबसे पहले तो उन्होंने सीओ टू लिया सीओ टू कहाँ से लिया उन्होंने सीओ लिया एयर से ये कहाँ से आया एयर से वाटर कहाँ से आया सोयल से उन्होंने सोयल से वाटर को ले लिया और एयर से सीओ को ले लिया अब सनलाइट क्या करेगा सपोज दैट यहां पर आपका सन 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 है है तो क्या करता है? इस वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है सन 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 किस पर इफेक्ट इफेक्ट कर रहा है कर, जो है जो वो एक्ट कर रहा है और ब्रेक कर रहा है H2O को और इसने H2O को जब ब्रेक किया तो क्या मिलेगा आपको हाइड्रोजन मिलेगा प्लस आपका ऑक्सीजन मिलेगा दोनों मॉलिक्यूल्स अलग हो गए और इस पूरे प्रोसेस को जिसने की लाइट सन के लाइट में जो वॉटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ है इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस और फोटोलिसिस फोटो मींस लाइट के प्रेजेंस में लिसिस मीन्स ब्रेक हो जाना क्या ब्रेक हुआ यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए ओके okay, तो जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर ये जो ऑक्सीजन होता है आपका उसका यूज़ नहीं है तो ऑक्सीजन क्या होता है एज अ बाई प्रोडक्ट वो एयर में फिर से रिमूवड हो जाता है और रिलीज हो जाता है एयर में फिर से वो रिलीज कर दिया जाता है इसीलिए तो प्लांट्स जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं कैसे देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन बनता है और ऑक्सीजन कि उनको रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती है इसलिए वो एयर में वापस कर देते हैं जिसे हम यूज़ यूज़ करते करते हैं, यूज करते हैं। ऑल एनिमल्स तो सबसे पहला क्या हुआ? सनलाइट सनलाइट आया, सन्लाइट को क्लोरोफिल ने ट्रैप किया देन उस सनलाइट ने एच के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया और वो ऑक्सीजन हो गया एयर में रिलीज और जो आपका हाइड्रोजन बचा वो हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद आपका बना देगा ग्लूकोज जो कि प्लांट का फूड होता है ओके okay? तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 दिस इज अ ग्लूकोज अब आपका ग्लूकोज बन चुका है और उसके बाद कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लांट अदर फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर ही यूज कर लेता है और फिर और या फिर अगर वो वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए हैं तो फिर उसको ट्रांसपिरेशन की हेल्प से बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है ओके okay, तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये पूरा रिएक्शन हो रहा है प्लांट के खाना बनाने का ये प्रोसेस है अब ये पूरा जो प्रोसेस है वो हो कहाँ रहा है अब देखिए जो हमारे घर में भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने का एक अलग रूम तो होता है ना किचन होता है तो उसी तरह प्लांट के बॉडी में भी एक स्पेशल साइट है प्लेस है जहां पर वो ये पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करता है तो पूरे प्लांट में जो लीव्स होते हैं ग्रीन लीव्स वो ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो मोस्ट सुटेबल प्लेस होते हैं फोटो के लिए क्यों क्योंकि ग्रीन लीव्स बोला है मैंने ग्रीन लीव्स मीन्स उसके पास ग्रीन पिगमेंट है ओके okay? तो जो ग्रीन लीव्स के जो सेल्स होते हैं स्पेशली मीजोफिल सेल्स ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट आप सब जानते होंगे नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है ये एक स्पेशल ऑर्गेनली होता है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट इसको हम किचन भी कहते हैं प्लांट का ओके okay, क्योंकि यहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है क्लोरोप्लास्ट कंटेंट्स लाइट एब्सॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के पास भर भर के ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल का सॉरी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर आप सब जानते होंगे ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल कर देती हूँ इसके पास दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर ये छोटे 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 कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रैनो और ये पूरा जो होता है इसे हम स्टॉक कहते हैं तो इस ग्रेनम का इस ग्रेनम के सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है आपके क्लोरोफिल। This is granum. और इस क्लोरो के सरफेस पर प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल ओके और यही क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है ये सन के लाइट को ट्रैप करता है और उसके बाद फिर हम प्लांट uh, जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं